ट्रायल बढ़िया रहा ये अंडर 13 के लिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2007-2008 का था और उसमें करीब करीब 220 बच्चे जो पूर्वी क्षेत्र से लोग बच्चे आए हैं और इस बच्चे में बड़ी डिफिकल्ट हुआ मेरे को सर्च करने में, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेयर मिल रहा है और इसका विजन जो है कि आने वाले समय जो जेपसी जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने जो एक उत्साह बनाया है कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा, आई लीग हो या जो भी टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। उसके साथ जेपसी का एक और विचार आया कि ग्रास रूट जो कराना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्रायल रखे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लिए हैं। ये विजन इसलिए ज़्यादा महत्व रख रहा है क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में बहुत सारे प्लेयर निकलेंगे, ये आने वाले समय ये बच्चे जो कल के भविष्य बनेंगे और इंडिया टीम के लिए खेलेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे ग्रास रूट हो, अंडर 13 हो, अंडर 18 हो, अंडर 15 हो, तो ये बच्चा इसमें निकलेंगे। देखिए झारखंड में तो फुटबॉल था ही और जमशेदपुर बहुत ज़्यादा पहले फुटबॉल था, बीच में फुटबॉल का क्रेज़ घट गया था, मगर जब से जमशेदपुर फुटबॉल क्लब आया है उसमें इतना क्रेज़ आ गया कि आज गली गली में जो बच्चे पहले फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, आज फुटबॉल खेल रहे हैं और ये आने वाले समय में ऐसा होगा कि जमशेदपुर क्या झारखंड में पूरे फुटबॉल का माहौल रहेगा।